आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। एसक्यूएल के अंदर अगर हमें काउंट क्वेरी लगानी है, समझिएगा जरा काउंट क्वेरी क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपने टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, यानी इसका मतलब ये है कि आपको काउंट क्वेरी बनानी है रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर काउंट क्वेरी बनानी है तो ये कैसे बनेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल हमारे पास पहले से बनी हुई है और इसमें देख सकते हैं क्या क्या रिकॉर्ड फिल है, ठीक है। तो उसी के लिए क्वेरी लिखनी है। अब इसमें क्या काउंट करना है, जैसे एक्सपीरियंस काउंट करना है कि किनको, और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्वेरी डिजाइन पे आकर के और यहाँ एसक्यूएल पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे काउंट, देखिए यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए, SELECT सेलेक्ट कमांड चलाइए, और फिर चूंकि काउंट ही करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए COUNT काउंट। और अब जो है किसको काउंट करना है, तो यहाँ पर इसको ओपन करना जरूरी है टेबल को। तो देखिए हमें ओपन करना है, हमें देखना है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस ही हमें यहाँ भी देना होगा। तो यहाँ पे दे देते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या देना है, EXP। अब देखिए जैसे लिखा गया वैसे ही कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, EXPERIENCE एक्सपीरियंस हो गया। अब ये एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक्सपीरियंस लिखते हैं तो इसको अब बंद कर दीजिएगा, और एक्सपीरियंस में आप इसको बंद करके एंटर कर दीजिए। और फिर कहां से ये काउंट करना है, तो फ्रॉम टेबल का नाम आपको देना होगा। तो टेबल का नाम क्या है, हमारे डॉक्टर है, तो यहां पे कर दीजिए DOCTOR। तो ये हो गया टेबल का नाम भी, ठीक है। तो ये टेबल का नाम देने के बाद फिलहाल तो इतना ही रखते हैं। तो अभी केवल एक्सपीरियंस वाले जितने भी डेटा है उनको काउंट करना है। यहां से चलाएंगे तो ये काउंट करके बता रहा है कि ये कुल मिला के 6 है। आप चाहे तो इसे नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नेम प्रोवाइड करना आसान है, फ्रॉम डॉक्टर एक्सपीरियंस एज कर दीजिएगा यहाँ पे एज, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा और ये करके अब यहाँ से रन कराइएगा तो इसका नाम देखिए टोटल नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, काउंट क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट क्वेरी का इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है।